anyone to get off the darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. मेरी गुड मॉर्निंग तू है, मेरी गुड नाइट भी तू। दुनिया रॉन्ग लगे मेरे लिए राइट ही तू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज संडे 12 नवंबर, हमने एक बहुत ही अच्छी एक राइड ऑर्गेनाइज किया है, मैं और रौनक ने। रौनक मुझे अभी लेने आया था, सुबह के बज चुके हैं 4:30। अभी हम निकल रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह, आगे मैं बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। सारे राइडर जो पहुँच रहे हैं हमारे रमेश टी स्टॉल पे, मैं और रौनक जा रहे हैं वहीं पे। अभी तो गाइस राइड स्टार्ट हो चुकी है, पंकज भाई लीड कर रहे हैं, उन्हें रास्ता सही से पता है तो वो लीड कर रहे हैं। सेकंड में है पीयूष और मिजान, थर्ड में है रौनक और शिवम, मैं लास्ट में हूँ जो गाइडर हूँ मैं। सौरभ और मैं हैं विकी के FZ पे। चलिए इस वीडियो का मज़ा लीजिए, देखिए इस वीडियो को पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कहीं चाय पीने का मन कर रहा है, कहीं चाय पियेंगे रुक के। चाय पीना है हमें अताबिरा तक, हमें कहीं एक रुक के चाय पीना है। यार सुबह सुबह का राइड करने का एक मज़ा ही और होता है, जो सनराइज़ होता है वो आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, एकदम रेड होके वो निकलता है जब। तो सुबह ही राइड कीजिए, जब भी आप राइड कर रहे हैं सुबह आप निकलिए ऐसे ही। मैं तो कभी उठता ही नहीं हूँ ऐसे नॉर्मल डेज पे, मैं ऐसे सोता हूँ एक साइड में, एक बारात भी निकल जाए मेरे पता ही नहीं चलेगा कोई कुछ गया साइड से मेरे। लेकिन राइड जब होती है टाइम से पहले ही उठ जाता हूँ मैं। देखिए सनराइज़ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब उजाला हो चुका है। ये सीन जो होता है सुबह सुबह वाला देखने वाला नज़ारा होता है। अभी गाइस हम NH पे हैं, पहुंच चुके हैं कटापाली जो है ये। अभी यहाँ पे फ्यूल डलवाना है गाड़ी में। हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह है नरसिंहनाथ। यहाँ से अराउंड हमारे बुरला से अराउंड होगा 155 या 160 अराउंड होगा, तो अप डाउन का मिला के हम लोगों ने अप्रॉक्स रखा है 330-340 किलोमीटर रखा है अप्रॉक्स, तो उसी हिसाब से हम फ्यूल डालेंगे। अभी जो यहाँ पे आप जानते हैं कटापाली का जो फ्यूल होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब एवरेज के लिए बहुत अच्छा होता है।
गाड़ी का एवरेज अच्छा आता है और उसका पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलावट नहीं होता है जैसे दूसरे जो पेट्रोल पंप में करते हैं। तो अभी हमने फ्यूल जो है डाल चुका है गाड़ी में, तो अभी हम जा रहे हैं अभी यही गौशाला के पास एक चाय वाय पियेंगे कहाँ, क्योंकि क्योंकि चाय पीने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि ठंड वैसे है। अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे। सारे अभी चाय लेते हुए ये पंकज भाई उठा रहे हैं चाय, मिजान भाई चाय ले गए, सौरभ ले गया चाय, शिवम भी ले गया चाय और विकी अभी फोटो क्लिक करते हुए। तो गाइस हमने चाय पी लिया है, अभी हम राइड पे निकल चुके हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, ये है चिपली माँ घंटेश्वरी जाने का रास्ता, ये वाला। यहाँ से आप नीचे से होके जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे तो फ्लेवर बर्गर। देखिए फॉग, देखिए मस्त ही लग रहा है कि फॉग, एक तरफ से सनराइज़ हो रहा है। मैं आपको एंगल आते ही मैं आपको दिखा रहा हूँ सनराइज़ कैसे हो रहा है। ये जो बाइक है, ये बाइक कस्टम है विकी राजकिरण, ये उसने खुद ही मॉडिफाई किया है। तो गाइस अभी हम अतावीरा पहुंच चुके हैं। यहाँ अतावीरा में एक फेमस एक साउथ इंडियन होटल है, साउथ इंडियन होटल है यहाँ पे, जो कि ये देख सकते हैं ये हम्स के बाद ये लेफ्ट साइड जो रास्ता जा रहा है, ये जो लेफ्ट साइड जो रास्ता जा रहा है यहीं पे ही लेफ्ट साइड में ही है। यहाँ पे आइए, यहीं से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे कभी ना कभी खा के जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा खाना। और गाइस एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैम, यहाँ पे आप संबलपुर से अगर आप बरगर जा रहे हो तो अतावीरा के बाद ही एक जगह आता है, मतलब जस्ट आप टाउन क्रॉस कर रहे हो उसी के बाद ही आता है। ये देखिए ये जो क्या बोलते हैं फ्लाईओवर एक बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर बंद हो गया ये कंस्ट्रक्शन, इसी के साइड में एक जगह है लादेरपाली बोल के, मतलब रास्ते में ही आएगा लादेरपाली। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक जड़ी बूटी वाला है, जड़ी बूटी मतलब घर में है जड़ी बूटी बेचते हैं वो, जो ठीक करते हैं जॉन्डिस। अगर आप किसी को जॉन्डिस हो रहा है तो यहाँ पे आप लेके आप मेडिसिन जो मेडिसिन होता है उनको आप खिला सकते हैं। वो अपना दावा देते हैं कि 21 डेज के अंदर जॉन्डिस उतर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जॉन्डिस। यही साइड में ही है, मैं आया था कम से कम 2-3 साल पहले आया था, तो अभी रास्ता नया बन गया है तो मुझे उतना पता नहीं अभी कहाँ पे है एग्जैक्ट, मुझे दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे ही है पास में, आपको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लादेरपाली नाम है उसका जगह का। तो गाइस अभी हम बरगढ़ पहुँच चुके हैं, हम बरगढ़ के बाईपास में हैं। लेफ्ट साइड में देखिए आपको ये जो दिख रहा है ये वाला, ये विकास का अभी नया हॉस्पिटल खुला हुआ है, ये विकास का इसका कॉलेज है, अभी हॉस्पिटल ने भी खोल लिया। ये देखिए अभी ये देखिए इधर से हम जाएंगे अभी सोहेला, हम बरगढ़ के अंदर नहीं जाएंगे, बरगढ़ हम लेफ्ट साइड को कट जाएंगे उस तरफ और राइट हो जाएंगे तो हम सोहेला की तरफ जाएंगे मेन रोड NH पे।
ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, यहाँ से आप फुल बरगढ़ का व्यू ले सकते हैं। रोड बहुत प्यारा है यहाँ का। यहाँ बरगढ़ में मतलब हमारा होम टाउन नहीं है, मतलब मेरे मम्मी पापा का घर यहाँ पे है, मतलब वो वहाँ जहाँ से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, जहाँ से ये बरगढ़ है वो, तो मेरा ये एक गांव है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे भाइयों के पास आता हूँ, मेरा भाई एक है यहाँ पे। देखिए आरटीओ चेकिंग हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए आप फुल बरगढ़ का व्यू ले सकते हैं यहाँ पे। पहुंच चुके हैं गाइस, हालांकि हम थोड़ा तो ब्रेकफास्ट लेने वाले हैं, भूख लग रही है बहुत जोरों से, क्योंकि राइड कर लिया हम अभी 60-70 किलोमीटर अराउंड हम राइड कर लिए बुल्ला से। तो अभी हम खाने से पहले हम थोड़ा जाके फ्री हो जा रहे हैं, फ्री माने आप समझ सकते हो क्या मैं फ्री बोल रहा हूँ। ये देखिए सारे बाइकर्स को अपने लाइनअप के साथ, ये रौनक का देखो नया वाला ये आ गया, ये बहुत ही ठंडे भाई, मेरे तो हाथ रुक गए, मेरे मतलब जम गए मेरे हाथ। ये सौरभ को देखो विद न्यू हेयर स्टाइल एंड न्यू बियर स्टाइल विद मस्टेच। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे होटल के अंदर, तो सब लोगों ने छोले और भटूरे मंगवाया है सारे ने। ये देखिए कैसे ठूसते हुए गेपते हुए कैसे ठूस रहे, देखो पूरा हवस से ठूस रहे, और दो दो तो यहाँ पे खाली बैठे हुए हैं और मैं भी खाली बैठा हूँ और वो भी खा रहा है। पूरी में हाथ सेक लो भाई, बहुत ठंड थी बाहर। लेकिन चलो पहले चलो to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. तो गाइस अब हम भी ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं नरसिंहनाथ की तरफ। यहाँ से अराउंड 85 किलोमीटर होगा। हम लोग अभी सोहेला में हमने ब्रेकफास्ट किया, अभी तो बीच में रुकने का कहीं प्लान नहीं है, हम डायरेक्ट वहीं पे ही रुकेंगे।
नज़ारा तो बहुत ही प्यारा है दोस्तों, ये तो देख के दिल ही खुश हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे खड़े हो जाऊँ और फ़ोटो लूँ बहुत सारे, लेकिन फ़ोटो सेशन अभी बीच में हम लोगों ने किया था एक जगह में रुक के, तो अभी लेट हो रहा है, हमें पहुँचना भी है और भी अराउंड 50 किलोमीटर है यहाँ से। थोड़ा कैमरा सेटिंग में मुझे थोड़ा लेट हो गया। वेट किए हैं बहुत सारे, तो वाह यार रास्ता सही है पूरा, देखिए पेड़ जो है सारे रास्ते को ढक रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा सीन है यार। ऑसम ऑसम ऑसम। पंकज भाई रुक गए, अभी हमारा थोड़ा यहाँ पे फोटो सेशन करना चाहते हैं। यहाँ एक सब्सक्राइबर हमें मिले हुए हैं भैया, आपका नाम बताना। मेरा नाम रोहित कुमार साहू है भैया। रोहित कुमार साहू, आप कहाँ के हैं रहने वाले? रहने वाले मैं सिंगनपुर का हूँ, मेरा जेल चौक में टेलर दुकान है। अच्छा ठीक है, आप जब भी आएंगे मेरे साथ मिलना। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर नेक्स्ट आएंगे तो। अच्छा तो गाइस फोटो सेशन जो है कंप्लीट हो गया है, मेरे एक यहाँ पे सब्सक्राइबर मिले थे अभी, तो उनसे भी मिले, उनको भी बहुत अच्छा लगा, वो मेरे वीडियो देखते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं नरसिंहनाथ की तरफ, हम ये जगह देखी, यहाँ पे बहुत हमने फोटो क्लिक किया। तो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं नरसिंहनाथ, ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये पहाड़ पे ही है नरसिंहनाथ, 2-2.5 किलोमीटर होगा यहाँ से लगभग। पंकज भाई हमें लेके जा रहा है ऑफ रोडिंग मंदिर में, डायरेक्ट जो है ऑफ रोड करके हम जाएंगे। ये देखिए बंदर। ऑफ रोडिंग जो है ड्यूक में सही लगेगा क्योंकि तो उसमें मोड दिया हुआ है। तो गाइस मैं अभी पंकज का KTM ड्यूक 390 राइड कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं अभी नरसिंहनाथ से और थोड़ा ऊपर जहाँ पे वाटरफॉल है, ऑफ रोडिंग है इसलिए मैंने उनसे मांग लिया। राइडिंग पोस्चर ही बहुत बढ़िया है इसका, कंफर्टेबल लग रहा है। रौनक इसमें अगर मैं एक नंबर गेट डाल दिया तो गाड़ी पलट जाएगी पूरी, मतलब मुझे ऐसे फील हो रही है क्योंकि पीछे रौनक बैठा हुआ है भी है वो। ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बहुत बढ़िया है, मतलब कंपनी ने बनाई है बहुत तगड़ी बाइक बनाई है, 390 उसका पिकअप बहुत ही बढ़िया है। कंप्रेशन ऑन हो चुका है, आवाज़ आ रहा है, पंखे पंखा पंखा घूमने का आवाज़ आ रहा है। नेक्स्ट संडे हम लोगों ने नहा लिया है वाटरफॉल पे, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था,
देखिए पानी कहाँ से आ रहा है आप देख सकते हैं। पानी उतना ऊपर से आ रहा है ये। तो गाइस हम बैक कर रहे हैं पुरला। अभी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हम लोगों ने मंदिर में खाया, फिर हम गए वाटरफॉल जो है यहाँ पे नरसिंहनाथ में, पूरा टॉप पे गए थे हम। हमें पंकज लेके गए थे वहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ का। हम लोगों ने ठंडे पानी में नहाया, ऐसे ठंडे पानी में कि छोड़ो क्या बोलूँ उसके बारे में, बहुत ही ठंडा था वो पानी। हम जैसे जैसे करके 5-10 मिनट नहाए और निकल आए वहाँ से। मैं मंदिर का मैं वीडियो नहीं लिया हूँ मैं, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन वोन या फिर कुछ लेना अलाउ नहीं था, ना वीडियोग्राफी ना फोटोग्राफी, तो मैं नहीं ले पाया उसके लिए। और मेरा फ़ोन का बैटरी भी लो है, तो मैं वीडियो अभी क्लोज़ करने वाला हूँ। तो गाइस मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ये शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन पे आप क्लिक कर लें, क्योंकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो गुड बाय गाइस, हैव ए गुड डे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Gravity.